अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एसी और डीसी के दरमियान फ़र्क। जो हमारे पास एसी होती है, जो हमारे पास एसी करंट होती है उसमें से ओनली फेज और न्यूट्रल होता है, और जो हमारे पास डीसी करंट होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो यानी कि डीसी में फेज और न्यूट्रल नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। और जो हमारे पास एसी इसमें तीन फेज होते हैं, फेस यानी कि रेड, येलो और ब्लू, और एक न्यूट्रल होती है। एसी और डीसी के दरमियान आपको फ़र्क बता दूँ, जो फ़र्क करती है वो चीज़ होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जो हमें एसी और डीसी में फ़र्क बताती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आपने कहना कि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जो हमारे में फ़र्क बताती है एसी और डीसी में ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप चलो आप फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं कि एसी और डीसी के दरमियान किस तरह फ़र्क बताती है। ये हमारे पास जो है, हमने एक फ्रीक्वेंसी की वेव एंगल बनाई हुई है। जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये हमारे पास जो है पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ होती है। हमारे पास पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी कि एक सेकंड में 50 दफ़ा ये साइकिल जो है गुजरता है किसी एक पॉइंट से। तो दोस्तों, ये पहले हम बात कर लेते हैं फेस और न्यूट्रल, यानी कि हम ये न्यूट्रल की बात नहीं करेंगे, ये फेस की बात करेंगे। यानी ये हमारा जो फेस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर एक साइकिल मुकम्मल होता है, पॉजिटिव हाफ और सेक्टर जो है नेगेटिव हाफ के दरमियान, यहाँ पर हमारा जो है एक साइकिल मुकम्मल होता है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये ओनली पॉजिटिव, ये ओनली जो है फेस पे हो रहा है, नेगेटिव की अभी मैं बात नहीं कर रहा, ये ओनली जो है फेस पे हो रहा है। तो जो हमारी डीसी करंट है उसमें जो है फेस नहीं होता, इसलिए उसमें ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती। इसलिए आप कह सकते हैं कि डीसी में जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी कि आपने ये नहीं कहना कि डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है या कोई भी होती है, तो इस तरह नहीं कहना। आपने कहना कि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो जो हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी है, आप देख सकते हैं इसका एक साइकिल जो है 50 सेकंड में जो है ना, 50 सेकंड में एक साइकिल मुकम्मल करता है। जो हमें एसी और डीसी के दरमियान जो फ़र्क बताती है वो फ्रीक्वेंसी ही होती है। तो हमारे पास जो है एक ये वाला लैंप है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये लैंप है, ये इसको हम ओनली फेस और न्यूट्रल देंगे तो ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा। हम इसको ओनली फेस और न्यूट्रल देंगे तो ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमें कंटिन्यूटी ग्लो होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि ये कंटिन्यूटी ग्लो नहीं होता, ये एक सेकंड में 50 दफ़ा ऑन और 50 दफ़ा ऑन ऑफ हो रहा है, यानी इतनी स्पीड से ऑन ऑफ हो रहा है, हमें ये सिर्फ ग्लो होता ही नज़र आ रहा होता है, ऑफ होता जो नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपने देखना है कि ये किस तरह ऑन ऑफ होता है यानी ग्लो होता है, तो हमारे पास एक जो है डिवाइस होती है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, यानी कि 20 सेकंड तक या 50 जो है सेकंड पर सेकंड कर सकते हैं, 5 सेकंड कर सकते हैं। जब हम इतनी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो जो हमारा जो लैंप है ये हमें ऑन ऑफ होता हुआ नज़र आएगा, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 रखी जाती है। यहाँ पर जाके हमें जो चीज़ है ऑन ऑफ होती हुई नज़र आए, बिल्कुल कंटिन्यूटी ग्लो होती हुई नज़र आए। तो पाकिस्तान में जो हमारी फ्रीक्वेंसी चलती है वो 50 हर्ट्ज़ है, कई ममालिक में 60 हर्ट्ज़ भी चलती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो एक और चीज़ हमारे पास होती है वो होती है पावर फैक्टर, PFB से कह सकते हैं पावर फैक्टर, जो कि ये भी एसी और डीसी में फ़र्क बताता है कि जो हमारे पास डीसी होती है उसका पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी होता है। डीसी का पावर फैक्टर जो होता है वो होता है यूनिटी, यानी एक पावर फैक्टर होता है यूनिटी, इसमें पावर फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो हमें पावर फैक्टर की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये हमने एक जो है हम देख सकते हैं एक वोल्टेज और एक फेस की जो है साइन एंगल बनाया हुआ है, जो इनके दरमियान जो फ़र्क आ रहा है ये वाला आप देख सकते हैं, इनके दरमियान ये वाला जो फ़र्क है यही हमें जो है कॉस फाई, यानी कि यही हमारा जो है पावर फैक्टर है। इसको बेहतर करने के लिए जो है पावर फैक्टर लगाया जाता है, यानी कि इनके दरमियान जो है एंगल को बेहतर करने के लिए। अगर हमारा फेस और न्यूट्रल आगे पीछे यानी हो जाएंगे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी अपना जो सिस्टम है वो अच्छी तरह नहीं चल पाएगा, और हमारा जो है बेल भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए हम पावर फैक्टर को बेहतर करेंगे तो हमारा जो है बेल भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जो हमें एसी और डीसी के दरमियान फ़र्क बताती है वो एक पावर फैक्टर भी जो होता है, जो कि डीसी का पावर फैक्टर है, इसमें पावर फैक्टर यूनिटी होता है, यानी कि ना डीसी का पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी होता है। एसी का जो है हम उसको 0.9 तक रखते हैं, ताकि हमारा जो बेहतर पावर फैक्टर जो हो वो हमारा जो है बेल भी कम हो। तो ये चीज़ें जो होती है एसी और डीसी के दरमियान यही फ़र्क बताती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एसी की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ चल रही है,
तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इस तरह की तमाम वीडियो मेरी आप तक आसानी से पहुँच सकें।